बीफ स्टू ऑन मैश्ड पोटैटो। बीफ का गोश्त लिया हुआ है, सख्त होता है, व्हील का जो गोश्त होता है गुलाबी रंग का, देख रहे हैं आप उसको। कचरी पाउडर इसमें लगाएंगे 1.5 घंटा पहले। नमक शामिल करेंगे इसकी थिकनेस है, ये देखिए बिल्कुल जितना बारीक काट सके उतना बेहतर है। मैदा, ऑयल आ गया और फिर एक एक पीस को खोल खोल के इसमें शामिल करते जाएंगे। दैट्स इट। कुकिंग टाइम इसका 8 से 10 मिनट है। ये व्हील बचिया का गोश्त है, आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मक्खन शामिल करना है, लहसुन, ये आ गया प्याज, इसको किया मिक्स। एक आध चिकन क्यूब ऐड कर दें, हल्का सा नरम पड़ेगा बस। इसके बाद इसको मजीद नहीं पकाना। कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे, ये बीफ थोड़ा सा टॉस करना है बस। मैंने थोड़ा मीट टेंडराइजर भी लगा दिया था। फिर हम आ जाते हैं हमारे मैश पोटैटो की तरफ। स्टू तैयार हो गया, इसको चूल्हा करते हैं बंद। बटर आया, मक्खन मेल्ट होगा, आ जाएगा इसमें दूध, साथ में आ जाएगा इसमें वाइट पेपर, चिकन क्यूब, क्रीम, ये मैश पोटैटो। बस चूल्हा कर दिया इसका बंद, तो ये मैश पोटैटो के तैयार। अच्छा इसको अभी देख रहे हैं, इसका थोड़ा जरा लिक्विडी हल्का सा है। बस इसको थोड़ा सा जरा फैला देंगे। बीफ स्टू ऑन मैश्ड पोटैटो। अच्छा, बीफ बोनलेस बच्ची 1/2 किलो, काली मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1/2 दरमियानी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, मैदा 3 खाने के चमचे, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे। मैश्ड पोटैटो के लिए उबले मैश्ड पोटैटो 1/2 किलो, क्रीम 1 पैकेट, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा।